बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, तो मैं जल्द जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेके आया हूँ। हाँ इंजेक्शन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शशि राय और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो रात को 11:30 बज चुका है, मैं अभी से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। थोड़ी सी अभी बेटर हूँ, मेरा आज तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऐसा तबीयत मेरा गाइस मतलब 7-8 साल पहले ख़राब हुआ था, जब मैं दिल्ली में रह रही थी। थोड़ा सा ना मतलब जब बोल रहे हैं ना तो थोड़ा मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम आज हो रही है। तो 3 दिन पहले से ही कोल्ड मुझे हुआ था, पर आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। खाना खाने के बाद जब मैं लेटने गई तो मेरे को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में। अभी भी बोल रहे हैं ना गाइस बहुत बेटर नहीं है, पर थोड़ा सा बेटर है। तो मैं सोने गई ना तो मैं सो भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस टाइम घर में कोई भी नहीं था, मैं राध्या और राध्या के पापा थे, तो इंतज़ार कर रहे थे कि इच्छा दीक्षा जो चाची की लड़की है पढ़ने गई थी आए तो कम से कम राध्या को देखने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो लोग जैसे आई वैसे हम लोग निकल गए। तो वहाँ गए तो इमरजेंसी वार्ड में गए। इमरजेंसी वार्ड में मुझे क्या हुआ था कि जैसे ही उसने आला लगाया एक ही बार में पकड़ लिया कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, चेस्ट में कंजेशन है। तो इमीडिएट उसको नेबुलाइजर मुझे देना पड़ा, इंजेक्शन लगाना पड़ा। तो उसके कुछ देर बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। फिर उसने बोला कि फिर 2 घंटे बाद आप आके डॉक्टर से मिल लीजिएगा। पर मैं सोची कि अभी तो ठीक हूँ, नहीं गई मैं 5 बजे। पर फिर ये दोबारा मुझे 8 बजे हो गया, मतलब। तो मुझे लगा कि मतलब अब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर 12 बजे जाऊं 1 बजे जाऊं जाना ही पड़ेगा, उससे बेटर है कि मैं अभी ही चली जाऊं। तो मैं 8:30 बजे करी फिर दोबारा गई थी, तो फिर मुझे नेबुलाइजर हुआ। चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है, मेरे को डस्ट से है बहुत ज़्यादा एलर्जी। और जब भी मैं डस्ट में जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा हो जाता है। और ये 7-8 साल बाद इसलिए हुआ है कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया डबलिन में रहते हैं, तो वहाँ का वेदर ना मतलब बहुत ज़्यादा एक तो कम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ की जो हवा की क्वालिटी है ना ऑक्सीजन की, वो बहुत अच्छी है, जिससे मतलब मुझे कभी वहाँ बुखार तक भी नहीं हुआ था। मैं कंटिन्यू वहाँ रही हूँ, 1 बार 3 साल कंटिन्यू रही, 2 साल 1 साल मतलब ये 8 साल बाद इसलिए हुआ कि साल भर से मैं इंडिया में हूँ, बेटी छोटी है इसीलिए। तो वो मुझे आज दिख गया। और मैं थोड़ा ट्रैवल व्रैवल भी कर ली थी, बक्सर चले गए थे और 2-3 दिन। तो यहाँ का ऑक्सीजन वैसे ही मतलब ठीक नहीं है, और मेरे को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है डस्ट से, तो इसलिए मुझे ये ट्रिगर कर गया। डस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मुझे कल भी जाना है, परसों भी जाना है नेबुलाइजर करवाने। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे वहाँ आज जब मैं नाइट में गई थी तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले उसने मुझे फिर से बोल मतलब फिर से नहीं इस बार गई तो बोला कि आप एक्सरे करवा लीजिए। तो ये देखिए एक्सरे हुआ है चेस्ट का। तो उसको ये हो जाने के बाद उसने फिर बोला कि दूसरा वाला क्या हुआ था मेरा, तो फिर मेरा ना ईसीजी हुआ। इसमें मुझे दूसरा वाला ईसीजी हुआ जिसमें कि ये ऐसे जिगजैग आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ईसीजी हुआ है जिसमें कि वो जो सांस लेते हैं ना, तो ब्रीथिंग का जो एक तरह से ग्राफ कह सकते हैं, तो वो ग्राफ से समझ में उन लोग को आता है कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। तो ये जिगजैग लाइन ऐसे 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 करके है, तो वही निकला है कि मतलब मेरा चेस्ट कंजेशन है बहुत ज़्यादा है।
तो फिर इसको अभी डायग्नोस मेरा चलेगा, कल जाना है, परसों भी जाना है। और वो मेरे को बोला कि थोड़ा डस्ट से बच के रहना, जो 7-8 साल पहले मेरे को डॉक्टर ने बोला था वही बात ये लोग भी बोले हैं। और मुझे इनहेलर अभी फिलहाल के लिए, मतलब मेरे को सजेस्ट किया है कि आपको इनहेलर पास में रखना चाहिए, और मतलब इनहेलर लेना भी है कंटिन्यू अभी, तो उससे मेरे को रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है तो आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे लिए दुआ भी करिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब 50% है अभी, मतलब हो जाने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, पर 100% ठीक नहीं हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब 12 बज गया है, अब मैं सो जाती हूँ ठीक से।